हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, हर प्रकार की समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके मार्ग ओपन हो जाए, चिंताएं बाहर जाए, मार चंगे हो जाए, कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए। प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दी। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना की सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। आमीन। मेरे पियो, हम विश्वास करने वाले हो जाएं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए अपरम आशीष की वर्षा हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। आमीन। नीति वचन 16 अध्याय के जब हम उसके मेरे पियो दूसरे वचन को देखते हैं, तो यहां पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मनुष्य का साल चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता, यानी कि एक मनुष्य जो करता है उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, सही है, वो क्या है, सही है, और वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परंतु यहोवा तो मन को तौलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह को, प्रार्थना को, यीशु मसीह पर आएंगे केवल इसलिए कि वो बोलेंगे अपने, जब उसको काम को करवाना होगा, चंगाई नहीं मिल रही मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगा, तो कहेंगे प्रभु मैं आज से आपके वचन के अनुसार चलूंगा, प्रभु मुझे चंगाई दे दीजिए, प्रभु हाँ प्रभु मैं आपको मानूंगा, आपके सिवाय कहीं और नहीं जाऊंगा, ऐसे करके परमेश्वर से वादे करेंगे। लेकिन वह क्या उनके मन में है कि अभी मैं प्रभु से कह रहा हूं कि अभी मैं आपके पास हूं, लेकिन उनके मन में क्या चलता है, अभी बोल रहा हूं, मुंह से बोलने में क्या है, बस जब मेरे काम सफल हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं वहीं चला जाऊंगा जहां से आया था। तो अपने मुंह से तो कहते हैं लेकिन मन में क्या चलता है, कुछ और ही चलता है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है मेरे पियो, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है। हम मनुष्यों से अपनी बातें छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से ये बातें नहीं छिपा सकते मेरे पियो। हालेलुया। ओ मन को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे पियो। हम क्या सोचे रहेंगे, क्या सोचने वाले हैं, और 5 साल बाद हम क्या करने वाले हैं, उन सारे बातों का लेखा जोखा हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। इसलिए मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखिए। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए बोलते पवित्र आत्मा प्रभु दे दे, लेकिन पवित्र आत्मा प्राप्त करके आप करना क्या चाहते हैं मेरे पियो। आप प्रार्थना कर रहे हैं मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं चंगाई दूंगा, मैं आपकी आपकी महिमा करूंगा, लेकिन उसके पीछे क्या उद्देश्य, कुछ और तो नहीं है, फेमस होने का, दूसरों से बड़ा बनने का, कोई बातें आपके मन में तो नहीं चल रही है। ये सारे बातें जो आपके मन में है वो परमेश्वर के सामने रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मनुष्यों से छिपा सकते हैं, मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जीवतों का परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरे पियो विश्वास के साथ उसके पास आकर उससे प्रार्थना करें, और ऋषय क्रम करने के लिए हमारे जीवन में तैयार है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। आमेन। जो बीज बोना चाहते हैं दिया गया है प्रभु की अगुवाई में, चर्च जमीन के लिए भेंट दान दसवां डाल इसमें डाल सकते हैं। गूगल पे फोन पे आ रहा होगा, आप उसमें भी भेज सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखें, और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को अपने घरों में, अपने जीवन में रिसीव कीजिए और क्लेम कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं, पिता आपने प्रभु जी दिन भक्कारी में अगुवाई की, आन जाने में सहायता किया, त्राव में सुरक्षा प्रदान किया पिता, और आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, नया सुबह दिया पिता, और पिता दिन भक्कारी में अगुवाई किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं, और एक सुनहरा अवसर दिया आपको उपस्थित बैठने का पिता, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम
में जितने लोग शामिल हुए प्रार्थनाओं में हर एक को हम आशीष की घोषणा करते मेरे पियो। प्रार्थना के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, प्रार्थना देखने के बाद इसको शेयर करें सभी ग्रुपों में, प्रभु आपको इसका आशीष देगा। सुबह शाम आपके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिस प्रकार से आपकी घर की चिंता होती है कि मुझे घर में ये ले जाना है, उसी प्रकार से आपकी भी ये चिंता होनी चाहिए कि मुझे आज प्रभु का काम फैलाना है। हालेलुया, प्रभु की चिंता करना शुरू कर दीजिए, प्रभु आपकी चिंता करना शुरू हो जाएगा। यह सोरी मारा सिखरवा, अपने दासों का, अपने 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 कलिसिया का चिंता करना शुरू कर दीजिए, प्रभु आपकी चिंता करना शुरू कर देगा। यस, जिस प्रकार से हम अपने देह के लिए चिंता करते हैं, उसी प्रकार से मेरे पियो हम अपने पास्टरों की, अपनी पादरियों की हम चिंता करने वाले हो जाएं, प्रभु आपके लिए अरिश्य क्रम करेगा। ओ हालेलुया, जो प्रभु का दास है और दुगनी आदर का योग है मेरे पियो। यस, हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे पियो, कि प्रभु ने हमें इस कार्य के लिए चुन लिया और आप उस कार्य में शामिल हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। यस, थैंक यू लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, पिता हर एक को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। जो पिता परमेश्वर आपके पिता दासों की चिंता करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो आपके दासों को पिता परमेश्वर है ओ प्रभु जी आदर सम्मान देते हैं पिता, पिता आप उनकी चिंता करते हैं पिता, और आप उनको आदर सम्मान दिलाने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इनके परिवार पिता आपकी आंसुओं की बारिश होने पाए पिता, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। ओहो रीमा रासिखा राबा रिक्तम जयम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं। हाँ पिता, आपने को ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते पिता। जो बच्चे हैं पिता जिनके एग्जाम होने वाले प्रभु जी, उन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, क्या छोटे क्या बड़े, जितने पिता परीक्षा दिलाने वाले हैं हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को बुद्धि ज्ञान से तृप्त कीजिए, अपनी सामर्थ्य से भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, शैतान की हर एक चाले ना सुने पाए। इनको पढ़ने में लिखने में आप इनके सहायता कीजिए खुदावन, जो पढ़ाई करते लंबे समय तक याद रहने पाए, परीक्षा में अच्छे से लिख कर बोल कर पिता ओ प्रभु जी अच्छे नंबरों से पास होने में आप इनकी सहायता प्रदान कीजिए। आपने को ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। जो चिंता करने वाली बातें, जो चिंताओं में पड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सारी चिंता इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, सारे मार्ग खुल जाए, सारे बंधन टूटने पाए, और आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने पाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक चिंता के दीवार को मैं ढाहता हूं, यीशु के नाम में चिंताएं बाहर निकलने पाए पिता, इनकी हर एक परेशानियां दूर हो जाए, इनकी हर एक समस्याएं बाहर निकलने पाए इसी समय राइट नाउ। वो चिंता करने वाली बातों से हम इनको आजादी की घोषणा करते हैं, हर एक परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए इसी समय राइट नाउ। हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से हम इनको आजादी की घोषणा करते हैं। हर प्रकार की चिंताएं, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, इनके मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने को ब्लेस किया, आपने को आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो इस समय पिता ओ प्रभु जी आश्रम बैठे हैं मेरे पियो, वचन कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है, मेरे निकट आओ आनंद की भरपूरी है। यस मेरे पियो, प्रभु के पास आए उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो आपको आनंद से भरेगा, वो आपको भरेगा सो से। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको ब्लेस करते हैं पिता, या आपके नाम से आशीषित हो जाए। हाँ पिता, इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम इनको आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर में की बारिश होने पाए, उस घर में आपका जयकार होने पाए, और वहां आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता, वहां सारे बंधन टूटने पाए, सारे मार्ग खुलने पाए, और केवल आपकी महिमा उन जगहों में स्थापित होने पाए पिता। अशांति वाली बातें, लय झड़ की आत्माएं, सारे मन मुटाव वहां से दूर होने पाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं मन फेरने की घोषणा करता हूं। वहां सुख शांति आशय आने पाए, मे मिलाप की आत्मा जाए, बिगड़ रिश्ते बन जाए। हर एक को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं।
आपने को ब्लेस किया, आपने को आशीष दिया है पिता, हम धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, आमेन आमेन आमेन, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में यह ब्लेसिंग हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए, यह आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आपने को आशीष दे दिया, इनके मार्ग खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़ दिया है पिता, हम धन्यवाद 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 करते पिता। जो पिता इस समय पिता ओ प्रभु जी नौकरी के लिए जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, या आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए, या आपके नाम से आशीषित हो जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, इनके बिगड़े रिश्ते बन जाए पिता परमेश्वर। ओहो रीमा रामा सीखा रावा, हाँ प्रभु जी हम इनको आपके नाम से जॉब की ब्लेसिंग करते हैं, जॉब के आशीष की घोषणा करते हैं, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए परमेश्वर। मैं जॉब की प्रार्थना कर रहा था तो एक शब्द दिया, बिगड़े रिश्ते बन जाए, बिगड़े रिश्ते बन जाए, यानी कि जॉब में रुकावटें आ रही है आपके बिगड़े हुए रिश्ते के कारण। यस, मैं मिलाप की आत्मा कर लीजिए, परमेश्वर आपको जॉब की ब्लेसिंग देना शुरू कर देगा। यस पिता आपने को ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। जो पिता बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम इनके लिए प्रार्थना कर, शादी के सलो बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई है, ये आपके पास आए हैं विश्वास के साथ पिता, हाँ प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके नाम से हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए पिता, हम इनको आपके नाम से ब्लेस करते हैं, या आपके नाम से आशीषित हो जाए और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी सारे पेट की बीमारियों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं, या आपके नाम से आशीषित हो जाए, या आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं, या आपके नाम से आशीषित हो जाए, या आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए पिता, और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए प्रभु जी। आपने को ब्लेस किया, आपने को आशीषों से भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने को 2023 से बच्चे के आशीष दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पियो परमेश्वर। 2022 में यारी शयक्रम किया, 2023 के पहले महीने में भी परमेश्वर यारी शयक्रम किया, वही परमेश्वर आपके लिए यारी शयक्रम करेगा। जिन्होंने मेरे पियो प्रभु के वचन के अनुसार चला है, प्रभु ने उन्हें आशीषों से भरपूर किया है। आप भी प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। आप अगर कमाई करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो अपनी कमाई का दसवां अंश हर महीने निकालिए, हर महीने सच्चे मन और सच्चे दिल से, क्योंकि परमेश्वर उदारता से देने वालों से प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि हम दे दें और हमारे मन में कुरकुराहट और हमारे मन में विचार आए उसी पैसे को लेकर, नहीं, ऐसे दान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हृदय की गहराई से सच्चे मन और सच्चे दिल से जितने परमेश्वर के लिए अपने बीज को बोया है, वो अपने जीवन में आरिश्य क्रम को होते हुए देखा है, उनके घर उनके परिवार में आस्या आई है, चंगाई आई है, सुख शांति आया है। मेरे पियो आपका दसवां अंश आपके घर परिवार में आशो के बारिश लाएगा और आपको आशीष देगा पिता। आपने को ब्लेस कर दिया, हम धन्यवाद करते पिता। ओ प्रभु जी हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है प्रभु जी इस महीने पिता, और प्रभु जी आज पिता जिनका जन्मदिन है पिता, इन सबों को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। जन्म से लेकर अभी तक आपने इनको संभाला पिता, अपने डील डोल में आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। ये साल आशो का साल होने पाए इनके जीवन में, सारे काम इस साल सफल हो जाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जिनका एनिवर्सरी है पिता, जिनका साल गिरा है, उनके लिए भी हम आज प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी उनको भी अपनी आशीष से भरपूर कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी जब से आपने जुड़ा है पिता, प्रभु जी आपने संभाला है पिता, आगे की हर एक जीवन के क्षेत्र में आप इनको संभाले रखिए, और हर एक पग पर, हर एक पदों पर, हर एक कदमों पर, हर एक जगहों पर आप इनकी अगुवाई प्रदान कीजिए, और शैतान की हर एक चालों से हम इनको बचाने की हम घोषणा करते, शैतान की सारे चाले नाश होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने इनको आशीष दिया, आपने इनको ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, आमेन 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 आमेन। ओ मम रामा सीखा रबा रिक्तम जयम, हम आपके नाम से इनको आशीष की घोषणा करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, उन सारे व्यक्तियों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी ओहो रिमर रिसिखिर रिबी रामा रिसिमा रबा, जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं, दवाई खा के थक चुके हैं, डॉक्टर दिखा के थक चुके हैं, ये थके मांदे आए हैं आपके पास पिता, लेकिन यह विश्वास के साथ आए पिता। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं जैसा इनका विश्वास है खुदा, वैसे इनके जीवन में हो जाए पिता। आपके विश्वास के अनुसार स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है, आप यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं।
विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, चंगाई आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, इनके अंदर बीमारी जो कार्य कर रही है वो आपके नाम से दूर हो जाए, यीशु के लहू के द्वारा ये पिता बीमार चंगे हो जाए। पिता आप उसके कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं, यीशु हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है मेरे पियो, उसका अंतिम लहू भी, अंतिम रक्त भी हमारे खातिर बहाया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और लहू में सामर्थ है मेरे पियो। हाँ और आमीन में रिसीव कीजिए। हर प्रकार की एलर्जी वीकनेस इनके शरीर से बाहर जाए, कमजोरियां वीकनेस दर्द इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए, मिर्गी वाली बाहर बीमारियां बाहर जाए, झटके बीमारी बाहर निकलने पाए, और आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए और ये आपके नाम से चंगे हो जाए। पिता अद्भुत चंगाइयां, अद्भुत चंगाइयां इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए और ये आपके नाम से चंगे हो जाए। ओहो रीमी री सिखि रीबी रामा 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 हुड़ाबा री करबा री तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में इस समय ये चंगे हो जाए पिता, और आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। हम इनको आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, इनके हाथ इनके पैरों में नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए, सारी कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर से बाहर निकलने पाए पिता, रसोलिया पथरिया गांठ बाहर जाए, पेट की बीमारियां बाहर जाए, इंफेक्शन बाहर निकलने पाए, आंखों में रोशनी आ जाए यीशु के नाम में, थायराइड की बीमारी बाहर जाए, यूट्रस की बीमारियां बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, इस समय ये चंगे हो जाए और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। पिता आपने कवासी चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं, थैंक यू लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे पियो। आप दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे, कहीं भी रखकर देख रहे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपको ब्लेस करेगा और आपको अपनी महिमा के लिए बहुत आयस उपयोग करेगा। पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए और आपके नाम से ये चंगे हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं। हाँ और आमीन में जितने लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं, विश्वास के साथ बैठे हैं, आपने को चंगाई दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की चंगाई की घोषणा करता हूं, आपने ब्लेस की आशीष किया, हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी नशे की आत्माओं में, अंधकार की आत्माओं में पड़े हुए हैं, हर प्रकार के अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं इनके घर इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जो कर्ज में है पिता हम प्रार्थना करते हैं सारे कर्ज के बंधन से हम इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर एक कर्ज की जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पर आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जिनकी मेहनती कमाई कहीं फंसा है, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, किसी को दिए हैं पिता, लेकिन मेहनती कमाई इनको समय पर नहीं मिल पाया, हम के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी इनकी मेहनती कमाई इनको मिलने पाए पिता। जो रुकावट जो बधाएं आ रही है सवाब के नाम से दूर होने पाए पिता, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक मार्ग खुल जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं। ओहो रीमा रामा सिख जो कंपनी MD पिता, उनका हृदय उनका मन परिवर्तन होने पाए और इनकी मेहनती कमाई वो देने वाली हो जाए, सारे रुकावट बधाएं आपके नाम से दूर होती जाए, आपने इनको ब्लेस आशीष के इनके मेहनती कमाई आपने दिला दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में हम इनको ब्लेस करते हैं और याद के नाम से आशीषित हो जाए, आपने इनके मार्ग खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़ दिया, इनको ब्लेस किया, धन्यवाद करते पिता। जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले, चर्च में सहयोग किए पिता, और जो लोग पिता परमेश्वर भेजने वाले पिता, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके घर इनके परिवार के ऊपर आपके आंसुओं की बारिश होने पाए पिता, हर एक समस्याएं कष्ट और परेशानियां दूर हो जाए, इनका बिजनेस इनकी सैलरी बढ़ोतरी होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं, या आपके नाम से आशीषित हो जाए, या आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए।
यीशु के नाम में हर एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं। आपने को ब्लेस किया, आपने को आशीषों से भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जो बुरे सपने आते हैं पिता, वो सारे बुरे सपने इनके घर इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, रात में इनको आप शुक्राए दिन से भरपूर कीजिए। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर के चाहो तरफ यीशु के लहू बाड़े बांधते हैं पिता, वहाँ आपकी महिमा प्रकट होने पाए, वहाँ सारे बंधन टूटे, मार्ग खुले और आपकी महिमा वहाँ प्रभावशाली हो जाए पिता, आपकी महिमा वहाँ कार्यशील हो जाए पिता, आपकी महिमा वहां प्रकट हो जाए हर एक के जीवन में। आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। रात में आप सुखदिन से भरपूर कीजिए और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट आ रहे हैं, आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। सभी को जय मसीह की, आमीन। लाइव प्रार्थना में शामिल हो जाइएगा और आशीषों को प्राप्त कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।